दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का फिर से आज रविवार के दिन स्टॉक मार्केट लर्नर चैनल में फिर से एक बार दोस्तों स्वागत है। और आज फिर से मार्केट की छोटी सी एक वीडियो, मार्केट को लेके जो असमंजस है, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डर है, जो एक बहुत भय लगा हुआ है, उसको लेके एक छोटा सा मैसेज है। बहुत छोटी वीडियो है, ध्यान से सुनिए और प्लीज चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें आपकी वीडियो नहीं पता चल पाती, आपने कब अपलोड की, तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज दिया करो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं पर्सनली तो भेज ही दूंगा, लेकिन आप अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो उससे क्या है, आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा दोस्तों। तो खैर चलिए आज अपनी बात शुरू करते हैं। सुबह से वीडियो को मैं नहीं बना पाया और वीडियो बहुत डिटेल में अच्छी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन नहीं बना पा रहा हूं। बस इसीलिए एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो में दे रहा हूं। वर्कशॉप चल रही थी दोस्तों, तो वर्कशॉप में बिजी था, मैं वर्कशॉप करा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को। तो अभी नेक्स्ट जो वर्कशॉप है हमारी वो 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, टेक्नो फंडा वर्कशॉप है, तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल का एक समावेशन करके हम उसमें कुछ अपनी अल्टर थ्योरी पढ़ाते हैं और समझाते हैं। तो 4 दिसंबर से स्टार्ट है दोस्तों, उसके ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो खैर अब जो निफ्टी है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियोस में बिल्कुल डिटेल में बात करी थी निफ्टी के ऊपर, और आपने देखा कि मार्केट ने हमारी स्टडी को सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मार्केट ने। तो कहने का मतलब है निफ्टी अभी तो 17,000 के ऊपर ही टिका हुआ है, 17,000 के ऊपर ही क्लोज किया है। अब गिरावट, मतलब कंफ्यूजन यह है कि गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही है, एक नई गिरावट, हर रोज एक नई गिरावट। तो देखिए एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो थोड़ा सा तो गहराएगी गिरावट, और थोड़ी गहरानी चाहिए थी। एक महीने से तो गिरी रहा है मार्केट, 18,600 के बाद से अब हम 17,000 यानी कि 1600 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। तो ओवरऑल अभी जो दूसरा मेरा लेवल है वो 16,700 का है, 16,700 जो निफ्टी है वो, और वास्ट से वास्ट मैंने बोला था कि 15,800, और वहां तक नहीं जाएगा। मैं ये भी बोल रहा हूं बार बार कि वहां तक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर वहां जाता है तो फिर एक बहुत चिंता का विषय हो जाएगा, और कोशिश करूंगा कि उससे पहले आपको अपडेशन दे दूं। ओवरऑल अब मोटा मोटा मान के चलेंगे 16,700 मेरा लेवल, तो 16,700 का है, बाकी फिर भी 16,500 यहां से एक रिवर्सल होना चाहिए। और इससे पहले भी अगर रिवर्सल हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं गोल्ड में भी उतनी तेजी नहीं बनी हुई है, गोल्ड भी कहीं ना कहीं एक अपनी जगह पे रुका हुआ है और इतनी कोई तेजी हमने नहीं देखी इस मंदी में। डॉलर पैटर्न ठीक है, मजबूत है, बुलिश है, लेकिन उतना मजबूत नहीं लग रहा है, तो ओवरऑल डॉलर भी इतना कोई तेज नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ जरूर, ये जरूर है कि जो हमारा नेक्स्ट मंथ सीरीज हो रही है, दिसंबर वाली स्टार्ट हो रही है, इसमें एक्टिविटी कुछ कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि FIIs जैसा कि आपको मालूम है क्रिसमस हॉलीडेज पे जाते ही हैं दिसंबर में, तो एक्टिविटीज थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 4-6 दिसंबर के बाद से कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगा और एक बाइंग पैटर्न बनके फिर से हम तेजी की तरफ ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है और हेज करके पोजीशन को आप चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में ही दोनों तरफ के स्पाइक मूव दे देगा इंट्राडे में, तो वहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए हेजिंग का ध्यान रखें और अपने सेफ साइड ट्रेड करें, और जिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो पोर्टफोलियो के लिए मौका तलाश रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप करें। एंड बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जब भी टारगेट आए उनको टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और 18,400 से पहले मैं बार बार बोल रहा हूं सेल ऑन राइज ही है निफ्टी, अब भी सेम वही पैटर्न है, सब कुछ लास्ट 2 वीडियोस में बिल्कुल डिटेल में किया हुआ है दोस्तों। बस मुझे यही इंफॉर्मेशन देनी थी कि ज्यादा से ज्यादा समझें तो 16,700 16,500 बस, इससे ज्यादा और नहीं, और इसके बाद में फिर एक अच्छी तेजी होगी, यही उम्मीद है। साथ में
इस बार बैंकिंग आउट परफॉर्म करने वाला है, ये मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो प्लीज बैंकिंग पे ध्यान दीजिएगा। हमारी पसंद HDFC बैंक आपको डिस्क्लोज कर दिया इसमें। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे ट्रेड कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद।